अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है आकिब गुल और आप देख रहे हैं पीके एंटर चैनल। तो आज एक नई ज़बरदस्त वीडियो के साथ हम हाजिर हैं दोबारा। तो गन वही है हमारे साथ दोबारा से P15 और ऊपर GoPro जो है ना स्कोप गेम लगा हुआ है। तो दोबारा हम निकले हैं डव के शिकार के लिए। तो आज जो हम जिस लोकेशन पर आए वो लोकेशन थोड़ी नई लोकेशन है, डव्स भी उधर बहुत हैं और तीतर वगैरह भी उधर काफ़ी मिल जाते हैं। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह शिकार हमें अच्छा मिला है, तो जारी रखते हैं और देखते हैं आज के हमें क्या मिलता है। माशाल्लाह जी दोस्तों, आज की पहली डाव हम कर ली है, अच्छा साइज है। तो जारी रखते हैं शिकार। मौसम काफ़ी प्यारा है और ठंड जो है ना काफ़ी ज़्यादा है जो है ना, तो शिकार अपना जारी रखते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। और चला जी दोस्तों, एक और ज़बरदस्त शॉट के साथ ये महल से इधर से इसको बैक साइड से जो है ना शॉट लगी है, काफ़ी अच्छी जो है ना शॉट लगी है और जो है ना इसके जो पोर्टो से निकली है। तो अच्छी शॉट के साथ जो है अच्छा है, कोई शिकार मिल गया है। तो अपना शिकार अभी कंटिन्यू रखते हैं, तो इनके जो है ना देखते हैं इसके अलावा क्या और मिलता है। माशाल्लाह जी दोस्तों, एक ही स्पॉट पर जो है ना दो जो है ना डव्स गिराई हैं, काफ़ी अच्छी दोनों को शॉट लगी है, आपके सामने ही है। तो जारी रखते हैं अपना शिकार, देखते हैं क्या मिलता है इसके अलावा जो है ना।
तो माशाल्लाह जी दोस्तों बहुत ज़बरदस्त जो है ना तीतर जो है ना पाँच छः बैठे हुए थे। तो एक स्पॉट पर जो है ना दो गोरे तीतर जो है हंट किए। तो ये जो हमारा गोप्रो है ना वो इसको जो है ना बैटरी जो है डाई हो चुकी है, तो इसलिए हम जो है स्कोप के जो है ना शॉट नहीं बना सके माजरत के साथ। तो फिर भी बहुत प्यारी शॉट लगी है दोनों को। तो आप चेक कर सकते हैं साइज़ भी इनका जो काफ़ी प्यारा साइज़ है और जगह भी जो काफ़ी अच्छी, काफ़ी तीतर हैं दरकाले भी और गोरे भी। तो अभी चेक करते हैं इसके सब, इसके अलावा जो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हमें तीतर वगैरह और भी मिल जाएंगे। तो तीतर की थोड़ी सी सर्चिंग करते हैं हम। माशाल्लाह जी दोस्तों एक ज़बरदस्त शॉट के साथ एक और तीतर गिराया हमने। चेक कर सकते हैं आप इसका साइज़ भी, काफ़ी पुराना जो है काला तीतर है और बहुत ज़बरदस्त इसको शॉट लगी है। लेकिन हम इसमें रिकॉर्ड नहीं कर सकते, आपको पहले भी बताया था कि वो जो है इसका बैटरी है ना गोप्रो की वो ख़त्म हो चुकी है, डेड हो चुकी है, तो नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी बहुत प्यारी शॉट लगी है इसको काले तीतर को। और पहले जो हम अभी जो है ना इससे पहले दो जो है ना गोरे तीतर हमने हंट किए हैं और ये तीसरा आज का जो है ना काला तीतर है, लेकिन इसका साइज़ सबसे बड़ा है। तो दोस्तों जो है ना आज हमने जो तीन तीतर हंट किए हैं और पांच जो है वो डव्स हंट किए हैं। तो तीतर तो आपके सामने ही है, तीन जो पांच डव्स हैं वो हम जो क्लीन कर चुके हैं, उनको हम इधर ही जो है ना बारबेक्यू लगाएंगे और उनको जो है ना बर्गर बनाकर खाएंगे। और बाकी जो है तीन जो है ना तीतर हैं वो इंशाल्लाह घर जाकर लेकर जाएंगे और इनकी जो है कढ़ाई बनाएंगे तीतर की। तो अभी जो है ना इनको हमने क्लीन कर दिया डव्स को, अभी इनको जो है ना हम कुक करते हैं, उसके बाद हम इनको बर्गर में डालकर खाएंगे। तो हमारे साथ रहिएगा, आपको इनके टेस्ट से भी आगाह करेंगे इनका कैसा है। तो दोस्तों अभी जो है हम हमारे पास जो मीट है डव्स का, तो उसमें हम कुछ मसाले डालते हैं और पपीते और जो लहसुन का पेस्ट है वो डालते हैं। उसके बाद इसको बैग को बंद करेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आधा घंटा हम इसको रखेंगे, क्योंकि अच्छे ये जो है ना नरम हो जाता है काफ़ी आधा घंटा रखने से। तो तकरीबन ये मिक्स हो गया है अभी, तो आधा घंटा रखते हैं और कोयले जलाते हैं, उसके बाद आपको अपडेट करेंगे। तो दोस्तों अभी जो है हमने सीखें चढ़ा दी हैं कोलों पर, तो इनके पकने का इंतज़ार करते हैं और उसके बाद पकने के बाद इनको हम बर्गर में डालेंगे और फिर खाएंगे। तो आप दोस्तों के साथ जो है ना इसका टेस्ट शेयर भी करेंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। तो अभी जो है दोस्तों हमारी जो सीखें तैयार होगी, तो अभी जो है ना ये बर्गर है इसको ओपन करते हैं, ये खोलते हैं और इसमें जो है ना सीखें डालते हैं और खाते हैं। सबसे पहले जो है ना थोड़ा केचप लगाएंगे, उसके बाद जो है ना इस पर तीन चार जो है ना ये रखेंगे। अभी हम इसे को खाते हैं और चेक करते हैं कैसा टेस्ट है।
तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म टेस्ट है, बहुत ही अच्छा टेस्ट है जो है ना। तो मैं यही जो है ना सजेस्ट करूँगा, जो आप जो डव्स वगैरह हंट करते हैं तो ऐसे बर्गर बनाकर खाएं, बहुत ही मज़े का टेस्ट होता है इसका साथ जो है ना। तो आज काफ़ी का जो है वीडियो का मज़ा आया है हंट करने में भी और खाने में भी। तो जब भी आप जो है ना डव्स वगैरह खाएं तो साथ जो है ना सेवन आप रखें, इसका भी एक जो है अपना मज़ा होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे मज़ेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और अभी के लिए दें मुझे इजाज़त, मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।